दिव्य हिमाचल टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज दोपहर हिमाचल। आइए शुरुआत करते हैं दोपहर तक की कुछ चुनिंदा खबरों से। ऊना में डॉक्टरों ने लगाए काले बिल्ले, नौतक का अल्टीमेटम, मांगे पूरी ना हुई तो करेंगे पेन डाउन स्ट्राइक। बद्रीपुर गुमा एनएच पर चार दिन बाद दौड़ी गाड़ियां, कच्ची ढांग के पास बंद हुआ था रोड। ऊना के भटोली में 16 नए मामलों से दहशत, बाहर घूमता रहा आइसोलेशन में रखा टैक्सी चालक, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी परेशानियां। ऊना का डायलिसिस सेंटर सील, स्टाफ को होम क्वारंटीन करने के आदेश। अब समाचार विस्तार से। ऊना क्षेत्रीय अस्पताल के डॉक्टरों ने युवा अनुबंधित डॉक्टरों के समर्थन में काले बिल्ले लगाकर विरोध शुरू कर दिया है। ऊना जिला संघ ने बताया कि मांगे मनवाने के लिए वे 9 तारीख तक काले बिल्ले लगाकर विरोध प्रदर्शन जताएंगे और अगर 9 तारीख तक हमारे इस मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो 7 दिन के लिए 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक शुरू की जाएगी। अगर फिर भी इस मुद्दे को नहीं सुलझाया गया तो 16 तारीख के बाद पूर्ण बंद करने पर प्रदेश के सभी चिकित्सक मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। डॉक्टरों ने कहा कि जब यह ग्रेड पे इंसेंटिव पूरे प्रदेश के अनुबंधित कर्मचारियों को 2016 की अधिसूचना के बाद मिल रहा है और हमारे चिकित्सकों को भी मिल रहा था, तो अब ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी कि इस कोरोना जैसी महामारी के बीच हमारे नौजवान युवा अनुबंधित डॉक्टर्स की सैलरी पर कैंची चलाई जा रही है और यह कटौती कम नहीं है, पूरे 22% है। सरकार से गुजारिश है कि वे जल्द से जल्द स्थिति स्पष्ट करें कि यह ग्रेड पे इंसेंटिव हमारे अनुबंधित डॉक्टर्स को देना जारी रखेंगे या नहीं, नहीं तो हमें संघर्ष के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। क्या मुख्य ऐसा है सर, जैसे कोरोना का जैसे चल रहा है, पेंडेमिक चल रहा है, उसमें जितने डॉक्टर्स हैं वो सब दिन रात मिल के काम कर रहे हैं, सेवाएं दे रहे हैं, पीपी किट में जो डालनी मुश्किल है फिर भी कर रहे हैं, ठीक है। उसमें बाकी गवर्नमेंट जहाँ पे डॉक्टर्स को सपोर्ट कर रही है, जैसे हरियाणा गवर्नमेंट ने सैलरी इंक्रीज़ की है या इंसेंटिव दिए हैं, वहीं पर हमारी गवर्नमेंट हमारी जो सैलरी है, जो कॉन्ट्रेक्चुअल डॉक्टर्स हैं, जो नए बच्चे हैं जो भर्ती हो रहे हैं, उनकी उतनी सैलरी वो काट रहे हैं। ना इसका कोई हमें रीज़न दिया गया है प्रॉपर कि क्यों काट रहे हैं, ठीक है। जो इनका दिल है वैसे कर रहे हैं। अगर सेवाएं, अगर सैलरी नहीं काटनी जरूरी नहीं, बढ़ानी नहीं है, आपने इंसेंटिव नहीं देने हैं तो उतनी रखो, पर जो दिन रात सेवा कर रहे हैं उनके साथ ऐसा मत कीजिए। बद्रीपुर गुम्मा एनएच पर कच्ची ढांग के पास बंद हुई सड़क फिलहाल नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने आखिरकार 4 दिन बाद यातायात के लिए बहाल कर दी है। मंगलवार सुबह 9 बजे इस दायरे से वाहनों का आवागमन शुरू हो गया है, जिससे गिरिपार क्षेत्र के लोगों ने राहत की सांस ली है। हालांकि बारिश आने पर एनएच के फिर बंद होने की संभावना बरकरार है, लेकिन मौके पर एनएच की मशीनें मौजूद रहेंगी ताकि किसी भी स्थिति से तुरंत निपटा जा सके। गौर हो कि 9 महीने पहले भी ये पॉइंट 17 दिन बाद बहाल हुआ था, लेकिन इस बार एनएच 4 दिन में बहाल हो गया है। जिला ऊना में गांव भटोली में एक साथ कोरोना के 16 नए मामले पॉजिटिव आने के बाद दहशत मच गई है। इतने लोगों की संपर्क सूची खंगालने में स्वास्थ्य विभाग को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने टैक्सी चालक पर एफआईआर दर्ज करवाने की शिकायत पुलिस विभाग में दी है। टैक्सी चालक को होम आइसोलेशन में रखा गया था, लेकिन इसने नियमों का पालन नहीं किया और बाहर घूमता रहा, जिस कारण गांव में सामुदायिक संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। युवक के परिवार के साथ साथ इसके परिजन भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। फिलहाल स्वास्थ्य विभाग ने पॉजिटिव पाए गए मरीजों के संपर्क में आए लोगों से स्वयं ही होम क्वारंटाइन होने की अपील की है। वहीं स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी भी कॉन्टैक्ट लिस्ट खंगाल रहे हैं। ऊना में पिछली रात को जो रिपोर्टिंग आई उसमें 26 केस आए हैं, जो 16 केस हैं एक ही गांव के, भटोली गांव है मैतपुर के पास, वहां के आए हैं। और ये एक इंडेक्स जो मेन पॉजिटिव टैक्सी ड्राइवर था, जो कि जिसने होम क्वारंटाइन का पालन नहीं किया और वो काफ़ी जगह लोगों से कॉन्टैक्ट में आया है, तो उसके ऊपर एफआईआर दर्ज भी होगी और कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा बाकी जो है एक दो दो केस बाकी जगह से आए हैं, ज़्यादातर प्राइमरी कॉन्टैक्ट्स हैं और उनके जो बाकी सेकेंडरी कॉन्ट्रैक्ट्स उनकी भी ट्रेसिंग की जाएगी और उनको होम क्वारंटाइन किया जाएगा। सर, अगर बात की जाए तो शिफ्ट करने की तो क्या व्यवस्थाएं जो है वो भी बात बना जी हमारी, अभी हमारे पास कोई 15 बेड जो हैं डीसीसी खड में अवेलेबल हैं, 6 बेड हमारे पीर निगाह में बसोली में अवेलेबल हैं। इसके अलावा हमारा दुलहेड़ में हमने एक डीसीसी जो है वो आइडेंटिफाई कर लिया है और एक हमारा पालकवा में ऑलरेडी जो है नोटिफाइड है डीसीसी, तो बेड्स का हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो लोग अंडरटेकिंग दे रहे हैं और जिनके घर में एक कमरा और बाथरूम अलग से अवेलेबल है, सुविधा है, उनको अंडरटेकिंग लेके और एक इंस्पेक्शन करके हम
वहाँ पे उनको होम आइसोलेट किया जाएगा और हमारी टीम जो है डेली उनसे उनका चेक करेंगे, सिम्टम्स भी चेक करेंगे और ऑक्सीजन सेचुरेशन भी चेक करेंगे। ऊना क्षेत्रीय अस्पताल में चल रहे डायलिसिस सेंटर को भी सील कर दिया गया है, क्योंकि कुछ दिन पहले जहां डायलिसिस करवाकर गया मरीज कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसकी सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन ने इसे अगले 48 घंटे तक बंद कर दिया है। वहीं इसे सैनिटाइज करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है, स्टाफ को भी होम क्वारंटीन करने के आदेश दिए हैं। जी, एक 28 को एक पेशेंट यहाँ से डायलिसिस करवा के गया है, उसके बाद वो सिक हो गया, फिर उसके बाद उसका ट्रीटमेंट बाहर हुआ है और वो पॉजिटिव पाया गया है, तो उसके तहत हमने डायलिसिस सेंटर को बंद करने का निर्देश दिया है कि कम से कम 48 आवर्स तक डायलिसिस सेंटर बंद रहेगा और उसके बाद जितने भी वो लोग हैं होम आइसोलेट होंगे और उनके टेस्ट किए जाएंगे जो एम्प्लॉइज हैं।